ये हमारा बंजर खेत काफ़ी समय से है, लगभग 1.5 साल पहले आया था। तो जो मैंने आपको दिखाया भी था पहले, मैंने इसमें 10 नींबू के पौधे लगाए थे, अब सिर्फ 5 रह चुके हैं। मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, लेकिन इसको आबाद करूंगा। मेरी धर्मपत्नी बीना लगी हुई है अभी, बीना जी कर देंगे आप इसको? पता नहीं, मुझे टाइम लगेगा अभी तो। टाइम लगेगा पर करेंगे ना आप? मैं हैं, कोशिश तो है, कोशिश है। अच्छा, तो कोशिश अच्छे हैं। तो वो लगी हैं और इसमें पानी देना शुरू कर दिया, तो थोड़ा आ गई है। और ये मैंने अभी ये किया है थोड़ा, और ये है कुटाल, कूटा बोलते हैं हमारे यहाँ, मेरा हथियार। आप सोच रहे होंगे कि मैं इसमें बैल क्यों नहीं ला रहा हूँ, तो या ट्रैक्टर वगैरह से क्यों नहीं कर रहा हूँ। ट्रैक्टर में कोशिश कर रहा हूँ क्या लाना ही है, लेकिन उससे पहले इसको हाथ से खोद के करना पड़ेगा। तो ये दिल मांगे मोर, और इसको ज़रूर करेंगे। जिस दिन ये हो जाएगा उसके बाद एक बार फिर आपको दिखाऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि कितना समय लगा इसको ठीक करने में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। सादर आभार, जय उत्तराखंड, जय हिंद। और ये है अभी कंट्रोल्ड फायरिंग, धीरे धीरे आग जगाएंगे, लगाते हुए सूखी घास को। थोड़ा ऊपर खतरा भी है क्योंकि वह, और ये हमारा अग्निरक्षक अंकित। जलाते हुए ला रहे, दिन हो गया अभी खोदते हुए। बंजर भूमि बारिश के अभाव में सूख चुकी है, लोहे का फाल भी मुड़ गया है गरम। बहुत निवेदन कर दिए हमने पूर्वी नियार से, पंपिंग सेट से अगर पानी आ जाए तो पानी हमारे काम आ सकता है खेतों की सिंचाई के। लगता है कि यहाँ आसमान तो रूठा है, वो परीक्षा ले रहा है, ये जमीन भी माँ है हमारी, ये परीक्षा ले रही है। और शासन प्रशासन भी अपने खेतों में अन्न उगाऊं तो शायद गुजारा होगा, तो क्या पलायन कर जाऊं या यहाँ के लोगों को पलायन करते देखूं? छाले पड़ रहे, दिखाने नहीं है क्योंकि छाले हाथों पे ही नहीं दिल पे भी लग रहे हैं हमारे, कुछ तो कीजिए। खालसा एड फाउंडेशन, हंस, जलधारा, प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री माननीय सतपाल जी महाराज, हमारे विधायक और सिंचाई मंत्री उत्तराखंड सरकार, क्या इन्हें देखा काकू
काको इन्हें देखे जा तो आज ये अभी काम साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर हाथ बटाना। होने वाला काम हो जाएगा। यार हाथ वो नहीं कह, तब चल भाई बोलो ना कि हाथ फिर दर्द हो गया। रेंट जाना वैसे ही वैसे मैं वेल काट दो थमलाल। ये थोड़ा थोड़ा करके देखिए, बिल्कुल ये यहाँ पे ऐसे काटे ही थे और अभी काटते हुए लेके चले गए। ये अभी तैयार कर रहा हूँ इसको, रिंगोला लगाने के लिए। इतना ये कचड़ा निकला यहाँ से। बड़े और ये कांचों के पीस टुकड़े तैयार हो गया। अभी ग्राउंड ये इसको हमारे यहाँ पे रिंगोला बोलते हैं। तो ये मैं तोलियों से लेके आया हूँ आज पहलवान भाई साहब के खेत से, और अभी इसको तैयार कर दिया है और अभी पानी डाल रहे हैं। आज 16 मार्च 2021 दूर से नीचे से घर डालो, हाँ मंगलवार का दिन है, मंगल हो। क्या पापा मेरा वीडियो मत बनाइए प्लीज। वो उसमें नहीं कर रहा, ये तो अपना नॉर्मल है। जैन साथियों, कर्नल यशपाल सिंह नेगी, भूतपूर्व सैनिक, ग्राम बिरगना, वीरोंखाल ब्लॉक। मैं आज आपको दिखा रहा हूँ अपना एक खेत, जो कि आपने लगभग 4 महीने पहले देखा होगा जब मैं फरवरी में रिटायरमेंट के बाद अपने गांव आया। इस खेत को मैंने एक टेस्ट बेड के तौर पे लिया, प्रयोग के तौर पे। ये बंजर खेत था, लगभग 2.5 दशक से ज़्यादा बंजर था, और आप लोगों ने देखा भी होगा वीडियो में कि कितना यहाँ पे हार्ड था कि हम इसमें पानी डालते थे और फिर इसको खोदते थे। तो मैंने इसको प्रयोग के तौर पर किया है कि क्या मैं इसमें सफल हो पाऊँगा, और उसको हमने कर दिया था आबाद। और आबाद अभी किस तरीके से किया, जो मैंने प्रयोग किया, एक तो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये लेमन ग्रास लेके आया था मैं, मेरे एक मित्र हैं दीपक ढोंडियाल जो लेमन ग्रास की खेती करते हैं, एक तो ये, और दूसरा उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था और दोस्तों ने भी किसी ने कि भाई आप अदरक लगाइए। तो ये मैं पहली बार हमने अदरक लगाया है। ये अदरक देखिए, अखरोट तो खैर हमारे यहाँ पर है ही है, जो मैंने ये पेड़ लगाए, ये देखिए पेड़ अखरोट के, और ये अदरक, 6 पेड़ अखरोट, ये जो हमारे यहाँ पे खरबूज कद्दू बोलते हैं, नीचे चौलाई, मकई, बीन्स, एक ही खेत में। सबसे पहले आपने यही करा था? हाँ, सबसे पहले ये यही खेत का हमारा हुआ है। और ये बीना जी, इनके हाथ अभी भी रुकते नहीं है, अभी भी घास निकालने पे लगी हैं। मैंने सिर्फ इसको खोदा था, इन्होंने भी खोदा,
उसके बाद गुड़ाई निलाई सारी इन्हें की है। ये देखिए चौलाई का पेड़ कितना बड़ा। और ये तो मंडुआ पहली बार ही देख रहे हैं। ये देखिए ये पता नहीं बीज कहीं से आ गया। ये नींबू के पेड़ 5 पेड़ है। और ये बीन्स हमारी ट्रायल के तौर पे जो मैं बोला था आपको, एक तो लेमन ग्रास अगर हो जाती है सक्सेसफुल तो फिर उसको लंबे मतलब अच्छे तौर पे करेंगे, दूसरा अदरक, और ये तो अपना बीन्स वगैरह है ही, ये फिर नींबू, एक अखरोट कहाँ गया वो पीछे छूट गया। ये आप लोगों को पता नहीं होगा ये मीठा करेला होता है, पहाड़ में हमारा मीठा करेला बोलते हैं हम इसको, बहुत अच्छा होता है। ये भी बीज अपने आप जमा, अखरोट के पेड़ को दबा दिया था उसने। और जो ये देखिए नेचुरल मैन्यूर, कोई खाद वगैरह नहीं, केमिकल से नहीं। और ये है, ये बांस की एक प्रजाति होती है हमारे यहाँ, उसको रिंगोला बोलते हैं, इससे टोकरियाँ वगैरह बनाई जाती हैं। तो ये भी हमने ट्रायल के तौर पे इसको लगाया है यहाँ पे और हो गई है ये। तो मुझे लगता है कि इसको किया जा सकता है, हम करेंगे आगे भी जहाँ पे पानी होगा। पानी था नहीं उस समय जब हम आए थे, 10-11 महीने से बारिश नहीं हुई थी और कुदरत मेहरबान हुई हमारे पे, बारिश के बाद अब ये जम गए हैं पौधे। जो मैंने अखरोट वगैरह लगाए थे वो भी हो गए हैं, लेमन ग्रास भी हो गई है और अदरक भी हो गई है। अदरक पहली बार लगाया मैंने और बीना जी ने, अभी देखते हैं कि वो किस तरीके से होता है। बीन्स भी हैं, तो आप जब भी आएँ हमारे यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक अदरक, ऑर्गेनिक बीन्स, अखरोट, ऑर्गेनिक मकई ये सब मिलेंगी। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। क्या बोल रहे हैं आप? खरबूज। हाँ, गुंजन बोल रही है कि खरबूज भी, ओ सॉरी कद्दू, कद्दू भी। अपना ख्याल रखिएगा। जय उत्तराखंड, जय हिंद। मौसम बड़ा प्यारा हो रखा है, बारिश बहुत हो रखी है। हाँ, इधर दिखाना। और अभी वृक्षारोपण भी कर रहे हैं। हरेला जिस दिन हमारे यहाँ पे मनाया जाता है उस दिन से अभी तक लगभग 150 पेड़ लगा चुके हैं। गुंजन का बर्थडे था उस दिन, मैंने कहा था कि पेड़ लगाएंगे, क्या था 16 जुलाई चले।